और ये हमारा शहजादा इधर ही है, ये देखो। मैं इसको इतना खोल के नहीं रखते, ओए रोने लग गए मेरे भाई। ओए होए बेबी को घर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं, मैं क्या, मेरे माँ बाप क्या, मेरे रिश्तेदार क्या, सब बहुत खुश हैं। एक छोटा सा मेहमान जब किसी के घर में आता है ना, खुशियाँ लेके आता है और घर में रौनक सी हो जाती है। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है, अगर किसी को नहीं पता तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले माशाल्लाह से मेरा बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है इस छोटी सी उम्र में। मैं वैसे अगर एज बताऊँ तो मैं 21 साल का हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत खुश हैं साहब, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया आपका एक अंदर व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो और बेबी फैमिली को ज्वाइन कर लो। अब हम बेबी को भी साथ व्लॉग्स में लाया करेंगे इंशाल्लाह। अभी यार स्टार्टिंग में थोड़ा मैं बेबी का फेस ब्लर रखूँगा थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह, फिर देन मैं ब्लर नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो। अभी ऐसा कि घर में मेहमान वगैरह आ रहे हैं, व्लॉग वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, व्लॉग बन भी जाए तो एडिट करना बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं मिल रहा। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ, मैंने कहा जल्दी से नहाया तो है, अभी मैंने कहा चलें पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी चलते हैं नीचे जयान के पास, और हमारे बेटे का नाम जयान है, जयान सैफ। अभी शाम हो गई है देख रहे हो, और इधर से वो तोते वगैरह जा रहे हैं वो, तो चलते हैं नीचे जयान के पास जाते हैं, उसको ज़रा पपियाँ शपियाँ देते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं, मेहमान वगैरह भी ज़रा जा रहे हैं, उनको भी ज़रा रुख्सत कर लेते हैं। चल मेहमान वगैरह सारे चले गए हैं, पर ये हमारा शहजादा इधर ही है, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटे छोटे हाथ, ये छोटे छोटे हाथ देखो, छोटे छोटी छोटे छोटे हाथ इस करे माशाल्लाह। ये ना वैसे आईज नहीं खोलता ना, तो अभी वो ऊपर जो लाइट है ना इतनी तेज़ है, आईज उसको खोलने में ना थोड़ी सी दुश्वारी का सामना होता है। तो वैसे अभी हम इसको इतना खोल के नहीं रखते, वो रोने लग गए, रोने लग गए है, हंस रहे अब हंस रहे। रात को ये इतना तंग करता है ना, इतना तंग करता है, तो फिर रात को उठ के ना इसको फीडर बना के मैं देता हूँ भाई, ट्रेनर हो गया बेबी ट्रेनर, ठीक है। तो अभी मैं इसको उठाता हूँ, सबर आ मेरे पास आना है, आ जाओ बाबा बादशाह आ जाओ। जयान जाने लगा था इसके छोटू के कपड़े लेने, रोने लग गया। हम चलते हैं इसके जो बांधने वाले कपड़े होते हैं ना, ये कपड़े लेके आते हैं, और ये उबारे वगैरह तो सारे ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे भी उसके बाद यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस जोधू के कपड़े ले आते हैं, और फिर वापस आके ना इससे पूछते हैं कि इसको कैसे लगे हैं। क्यों जोधू, ठीक है ठीक है जान बेटा, ठीक है चले हम, फिर चले आप मामा पास जाओ। 2 hours later रात के जो है ना 10:30 बज चुके हैं, ठीक है। अभी अभी ऊपर आया हूँ, बेड वगैरह ठीक किया, चादर ख़राब हुई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से ऊपर आए नहीं थे, हम लोग क्या बल्कि कोई भी ऊपर नहीं आया था। ऊपर आया हूँ, आज मैंने ऊपर सोने, ऊपर की सोने, आज जयान और उसकी मामा नीचे होंगी, और वैसे भी नीचे ही होती है, आज जयान की ये नानी तो वो उनके पास होंगी। मैंने कैसा करते हैं यार, मैं चला जाता हूँ ऊपर, तो मैं इधर सोऊंगा भाई इधर, ठीक है। और मैं उस टाइम लेने गया था यार बेबी के लिए ना लपेटने वाले कपड़े, नहीं होते वो लेने गया था, कपड़े वगैरह मिले आए, किधर है यार वो ले मेरे भाई। ओए होए ये एक ये लाया हूँ और एक ये लाया हूँ, ठीक है। अब सारे मुझे कहेंगे यार आप पिंक क्यों लाए हो, पिंक तो लड़कियों को होता है यार, छोटे बच्चों पे आप जो कलर डालोगे ना वो चल जाएगा, अच्छा लगता है, हर कलर अच्छा लगता है छोटे बच्चे पे। और खाने पीने के लिए यार वो नूडल्स और वो दूसरा आड़ू वो थोड़ा बहुत खाऊंगा, और अभी भाई टीवी लगाऊंगा, टीवी नज़र ही नहीं आ रहा, ये ब्लैक दीवार है ना इसलिए पता नहीं चलता। तो मैं अभी देखूंगा मूवी विलन रिटर्न्स, यही आई थिंक, तो देखते हैं उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के भाई बेबी को सरप्राइज देंगे, बेबी को नए नए कपड़ों में लपेटेंगे। बस आज भी अभी के लिए इतना ही, बाकी सुबह रिकॉर्ड करेंगे और बेबी को फिर वो पहनाएंगे ना, तभी आपको मैं दिखा दूंगा खोल के। अभी ऐसे करते हैं यार मैं मूवी शूवी देख लूँ उसके बाद फिर सो जाऊँगा। Day 2 अभी कोई टाइम हो रहा है शायद दोपहर के 1:30, मैं सो के उठा था तकरीबन कुछ 10-1 बजे, मेहमान वगैरह आए थे, मामा ऊपर उठाने आए थे, मामा कहती हैं सैफ नीचे आओ बेटा मेहमान आए हैं मिल लो, मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उठा जल्दी से, मुँह हाथ धोया, जल्दी उठने के चक्कर में भाई जुकाम लग गया है। याद है कि रात को रैपिंग शीट्स लेके आए थे,
मैंने कहा था कि सुबह मैं बेबी को पहनाऊंगा तो दिखा दूंगा, वो यार ऐसा हुआ कि मामा ने बेबी को पहना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं मेहमानों के पास बैठा हुआ था, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैं अंदर गया हूँ, देखता हूँ यार बेबी ने पहनी हुई है। मैंने कहा ये क्या, मैंने तो वीडियो बनानी थी। तो मामा कहती है कोई बात नहीं, बाद में बना लेना। फिर मेहमान आगे, मैं दोबारा बैठ बैठ गया। अभी मैं बड़ी मुश्किल से यार निकल के इधर मोमटी में आया, ठीक है। मैंने कैसे करते हैं जल्दी से ना थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं भी जाने लगा था बेबी के लिए, जयान के लिए पैंपर्स लेने, जीरो साइज़ के, वो थोड़े बड़े हैं जो मैं लेके आया था ना पहले, मुझे चूरा लगा दिया दुकान वाले ने, तो हैर चलता है सब कुछ। तो अभी ऐसा है कि मैं जल्दी से चलता हूँ, वो जीरो साइज़ के पैंपर लेके आता हूँ, फिर हम जयान के पास आएंगे और वो रैपिंग शीट्स भी आपको दिखाएंगे। और कोई नहीं है भाई, जयान हमें आवाज़ दे रहे, अभी आवाज़ दे, कहते हैं बाबा आ जाए ना, जल्दी से चलते हैं यार। और अभी खैर कोई खास सीन नहीं है, जो मौसम है वो अभी धूप निकल आई है, और सुबह तक तो खैर बारिश लगी हुई थी, मौसम अच्छा था। अभी जब मैं उठाऊँ तो उस टाइम काम ख़राब हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ पैंपर लेने। ये खर्चे वगैरह ना चलते रहते हैं, वही बात है कि छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ। खैर इसी लाइफ में तो मज़ा है यार, ऐसी लाइफ में तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी इन्जॉयमेंट लाइफ है। तो चलते हैं, काम बड़ा काम ख़राब कर दिया यार। अभी अभी मैंने बाइक बाहर निकाला है, काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, बड़ी कोई हालत माड़ी हुई है बाइक की। और जैसी बाहर निकालता गया हूँ ना बाइक, पंचर पिछले दो तीन दिनों से ना पंचर ही चल रहा था, मैं बाबर वागे चला ही जा रहा था, लेकिन अभी काम ख़राब हो गया। ये लो भाई पंचर हो गया ये, तो अभी है पहले पंचर लगवाना पड़ेगा। पंचर वगैरह ना मैंने बाइक का लगवा लिया, ठीक है, और पेम्पर भी मैं ले आया हूँ, ये रे पेम्पर, ठीक है जी, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। जो बाइक है यार इतना गंदा हुआ, इतना गंदा, चलाने का दिल नहीं करता। बाइक भी सर्विस करानी है, टाइम मिले ना, मेहमान वगैरह ज़रा कम हो ना, तो उसके बाद फिर हमने बाइक सर्विस करानी है, और बेबी को हमने ना गंजा कराना है, टिंट करानी है, बहुत काम है यार। अभी चलते हैं फिलहाल अंदर, ठीक है, और देखते हैं यार जयान क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाह, खोलो जी दरवाज़ा। ये मुन्ना साहब ना रोने लग गया, मैंने अभी इसके लिए फीडर बनाया है, जल्दी से इसको भी उठाते हैं और इसको फीडर पिलाते हैं। आ जा जी, आ जाओ, क्या बस मेरा बच्चा, बस आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैं दूध बनाने का मुझे आइडिया हो गया कैसे, देखो ऐसे रखते हैं ना सर के ऊपर इस तरह, और ये इसको ऐसे, ये इधर इधर इधर, ये जेले ना जेले, ये ना भूखा है ये मेरा। अभी इसको फिटर बुलाते हैं, अभी इसको तंग नहीं करते, तो ऐसे करते हैं इस ब्लॉग को ग्रैंड करते हैं। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद है काके बोलो सर को सब्सक्राइब कर दें, ये कह रहे साहब सब्सक्राइब कर दो, तो मिल ऐसा करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।